जी बिसमानरिम इस प्रोजेक्ट में हम टाइम सीरीज़ के डेटा को एनालाइज करने वाले हैं और टाइम सीरीज़ एनालिसिस को हम ए टू जी परफॉर्म करने वाले इन इन अ प्रोजेक्ट फॉर्म तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं तो अच्छी बात है वरना नोट्स बनाते जाएंगे तो दैन इट वुड बी ईज़ियर फॉर यू टू तो अंडरस्टैंड लेटर ऑन रही बात आज के इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर यू विल सी कि टाइम सीरीज़ का डेटा होता क्या है किस तरीके से उसको डाउनलोड किया जाता है ट्रेंड्स कौन से होते हैं साइकिल्स क्या होते हैं सीजन क्या होते हैं किस तरीके से डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है कौन कौन सी चीजें हैं जब कॉलम्स को हम डील करते हैं वो कैसे हमने मद्देनजर रखनी है टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी के डिफरेंट किस्म के फंक्शन को टाइम सीरीज के डेटा एनालिसिस के लिए कैसे यूज करना है एंड ढेर सारी और चीजें तो देर ना करें स्टार्ट करें मेरे साथ लेट्स बिगेन होपफुली आप इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को ओके okay जी ये आपके सामने एक शीट नजर आ रही है जिसको मैं अब एक नई शीट में कन्वर्ट करने वाला हूँ जीरो एट Time Series एन टी एफ डॉ आई के अंदर हम ये काम करने वाले हैं और ये डेटा जो है हम वेदर फॉरकास्टिंग के ऊपर काम करेंगे इसको तो हम यहाँ पे स्टार्ट लिख देते हैं टाइम सीरीज डेटा या टाइम सीरीज़ फॉर कास्टिंग सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट जो है उसे स्टार्ट किया तो ये कोडिंग जो है हम ए टू जी करने वाले इस वजह से कोडिंग के दौरान जरा टाइम ज्यादा लगता है बट इन इन अ वे वी विल अंडरस्टैंड के कोडिंग किस तरीके से हमें हेल्पफुल साबित हो सकती है राइट जी ओके okay, मैं इसको जूम थोड़ा सा थोड़ कर लेता हूं। no, सबसे पहले आप क्या करते हैं अपना जो डेटा है उसको चेक करते हैं ठीक है और इसके अंदर हम तीन किस्म के काम करेंगे पहले तो हम एक सिंगल फीचर को प्रेडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन मल्टीपल फीचर इस प्रोजेक्ट के अंदर एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करके डिफरेंट फीचर्स को लेकर एक को प्रोडिक्ट करेंगे फिर हम डिफरेंट फीचर्स को लेकर अगले प्रोजेक्ट में सभी के सभी फीचर्स को प्रोडिक्ट करेंगे है? फिर तीसरा काम होगा कि हम एक को लेकर अगले को प्रोडिक्ट करते जाएंगे लेकिन यहां पर याद रखे मल्टीपल फीचर को लेना है हमने और एक को प्रोडिक्ट करना है वो टेम्परेचर हो सकता है विंड स्पीड हो सकती है एनीथिंग लाइक दैट और ये टाइम सीरीज वेदर फोरकास्टिंग है ठीक है वेदर फोरकास्टिंग का डेट है अब Uh, जब हमारे पास लाइब्रेरीज हैं बेसिकली जब भी आप टाइम सीरीज के डेटा पे काम करें सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले जो है इंपोर्ट करें जनाब एक लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड ओएस बाय द वे अगर आपको नहीं पता कि ओएस किस लिए होती है ये आपका पाथ को डिसाइड करते हैं जब आप पाथ लिखते हैं ना अपने uh, कंप्यूटर के अंदर के मेरे फाइल वहां पर पड़ी है वहां से ले लो या मेरा जो फिगर है उसको वहाँ पे सेव करना है एंड देर आर मैनी थिंग्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम या आप बात को जब डिसाइड करते हैं डायरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं तो इट्स बेटर कि आप ये वाली लाइब्रेरी को जरूर इम्पोर्ट बिल्ट इन इन पाइथन द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट आपने डेट टाइम को जरूर इम्पोर्ट करना है ठीक है डेट एंड टाइम ये क्या करती है टाइम के मुताबिक आपको डेटा जो है उसको डील करने के लिए हेल्प करती है मैं इसको रिमूव करता हूँ साथ, साथ से विल फिर तीसरी चीज ऑब्वियसली हमारे पास अगर आप पाइथन uh, uh, या जुपिटर नोटबुक के अंदर काम कर रहे हैं तो देर आर मैनी अदर लाइब्रेरीज लेकिन मैं बड़ी जिदा जिदा आपको इम्पोर्ट करवाऊंगा आपने इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी नंपा एज एन पी मल्टी मैट प्लॉटी फिर आपने करनी है सी बॉन एज एस एन एस एंड इम्पोर्ट टेंस टी एस क्योंकि मैंने टेंसर फ्लो अपनी मैकबुक के अंदर इंस्टॉल की है एक सेपरेट कोंडा एनवायरमेंट के अंदर या Mamba environment के अंदर आई विल रन दैट वन ये कुछ लाइब्रेरीज है मैंने कर ली अब लाइब्रेरीज को मैं यहाँ पे करता हूँ रन एनिफ एवरी थिंग वर्क फाइन एंटिल नाउ इट विल शो मी अ ग्रीन टिक आपको पता है ये बेटर हो गया चल पड़ा अब मैं क्या करूंगा अगला काम मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे मैट प्लॉट लिप को ही सेपरेटली मैं इम्पोर्ट करता हूँ उसकी रीजन क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ क्यों किया ये इस वजह से किया है पिछले लेक्चर में आपको बताया कि फिगर्स लंबे वाली आपने बनानी है वो छोटे छोटे बॉक्सेस नहीं बनाने ठीक है थीके? तो इसलिए मैं स्टार्ट के अंदर ही फिगर साइज को यहाँ पे मेंटेन कर दूंगा और इसके लिए जो हमारे पास कमांड है यहां पे मैं कहूंगा इसको मैनेजिंग फिगर साइज इन द यहीं पे आपने कर लेना उसके लिए हम क्या करते हैं पी से भी कर सकते हैं आप या एम से भी कर सकते हैं ठीक है तो मैं एम वाली कमांड को यहां से यूज करता हूँ एम जस्ट अ मिनट आर सी प्रेम्स फिगर डॉट फिगर साइज तो यहाँ पे एट बाई सीन है तो मैं इसको फिफ्टीन बाई सिक्स या फिफ्टीन बाई टेन कर लेता हूँ या इसको मैं कर लेता हूँ टेन बाई विल बी ऑटोमेटिकली लाइक दैट और दूसरी बात यह है कि एक्सिस ग्रिड अगर आपने शो करवाने यू कैन मेंटेन दैट अगर एक्सज ग्रिड शो नहीं करवाने यू कैन एक्चुअली रिमूव दैट तो मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ अभी फिर बाद में जब हम इसको चेंज करेंगे एक प्लॉट बनाने के बाद देन वी विल सी कि ये किस तरीके से काम करता है आप इसको ट्रू भी रख सकते हैं इट्स अप टू यू अगर नहीं रखना ट्रू तो इट्स ऑल्सो अप टू यू तो ये मैंने दोनों को रन किया एवरी थिंग इज वर्किंग फाइन एंटिल नाउ अब मैं अगला काम क्या करने लगाऊँ मैंने अब यहाँ पे अपना वेदर डेटा सेट जो है उसे इम्पोर्ट करना है ठीक है बाय द वे अगर आप टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी को यूज करते हैं यू नो दैट के वहाँ पे डेटा सेट आप बेसिकली एक लिंक से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओ की लाइब्रेरी जो है उसे इम्पोर्ट किया यू कैन ऑल्सो डिजाइन द पाथ अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा अपना डेटा सेट इम्पोर्ट करना है इम्पोर्ट इसको मैं सेकेंड है इम्पोर्ट हम कैसे इम्पोर्ट करेंगे लेट्स सी सबसे पहले मैं एक पाथ देता हूं जिप पाथ फॉर एग्जांपल जिप पाथ इससे क्या होगा आप एक लाइब्रेरी को टेंसरफ्लो फ्लो के थ्रू टी एफ डॉट डॉट फाइल डायरेक्टली आप एक पाथ के थ्रू अपनी फाइल्स जो है वो ग्रैप करेंगे कहां से ग्रैप करेंगे फ्रॉम अर एल तो यहां पे अगर मैं ओरिजन देता हूं ओरिजिन देने के बाद आप जो डेटा सेट है उसका यू आर एल दे देते हैं तो मैं अगर इसका यू आर एल यहां से कॉपी करूं मैं ये आपको भी सेंड कर देता हूँ जिसकी मैं वन सेकेंड ये भी आपके पास आ जाएगा यू आर एल भी इसका आप इसको कॉपी कर सकते हैं इस यू आर एल को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डेटा के के लेना कहां से ठीक है तो ये जिप फाइल के अंदर मेरे पास डेटा आएगा विच इज अ क्लाइमेट चेंज डेटा सॉरी क्लाइमेट का डेटा 2009 से लेके 2016 तक का ये नाम से आया है ये डेटा और ये Max Planck Institute जो जर्मनी के अंदर है उसका एक सिटी है ये जिसको -E -E, हम तो वहां सेन चेक चेक योर ओन फाइल नेम अगर आपने रखने एंड देन आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे कि इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करो यानी कि फाइल आपकी जिप आनी है और जिप ने ऑटोमेटिकली क्या करना कर है एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेटा वहां से फाइल को unzip किया जाता है न, करने के लिए हमने तो यहां पे operating system की library को या OS की लाइब्रेरी कोच ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स वहां से उसको डाउनलोड किया हमने पहले और उसी से हमने फंक्शन एक्सट्रैक्ट यूज किया यूजिंग डिफरेंट टी एफ कैरास गेट फाइल और देन डेटा अब अगर मैं इसी को डेटा को एक पाथ के अंदर स्टोर करना चाहूं सो आई कैन डिसाइड द पाथ जहां पे मेरा डेटा जो है वो चला जाएगा ठीक है पहले मैं इसको रन करता हूं you know, कि ये डेटा मेरे पास डाउनलोड हो गया अब ये डाउनलोड होकर ऑब्जेक्ट की शक्ल के अंदर डेटा स्टोर हुआ है कहां पे स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर ऐसे ही है समझ आ रही बात की क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया अब इस मेमोरी से हमने किसी एक फोल्डर या किसी जगह पे रखना है ना डेटा मेमोरी पे क्यों रखना है? हमने बार बार इसको थोड़ी ना चलाना है फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू डिसाइड कि किस जगह पे डेटा लेके जाना है तो सी एस बी अंडरस्कोर पाथ फिर बाद में कॉमा अंडरस्कोर जिससे क्या होगा ओ एस डॉट पाथ डॉट स्प्लिट टेक्सट फिर पाथ ठीक है अब चेक कीजिएगा क्या होता है मैं यहां से इसको रन करता हूँ स्टिल वी डोंट हैव एनी ये आपको नजर आया कोई भी डेटा सेट यहां नहीं आया लेकिन हमारे पास सारे का सारा डेटा कहाँ पे मौजूद है ऑनलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर सो डू यू हैव एनी आइडिया कि किस तरीके से हम डेटा को सेव कर सकते हैं यहां पे यहां पे एक फाइल की फॉर्म में डेटा आ जाए जी एनी आइडिया चले मैं आपको करके दिखा देता हूं आपने अब रीड द डेटा इ पांडास पांडास के अंदर डेटा फ्रेम को रीड करते हैं पहले और आप देखें कि हमने यहां पे सी एस वी पाथ दे दिया है कि जो ये वाली चीज हमारे पास फेच होके रैम के अंदर स्टोर हुई है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए ठीक है सी एस वी पाथ के अंदर आ जाए नाउ वट वी विल डू मैं इसको रन करता हूँ एंड डी एफ डॉट हेड करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा सेट शो हो रहा है एंड दिस इज द डेटा सेट बड़ा आसान सा डेटा सेट है हमारे पास ये मेरे पास डेटा सेट आ गया जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हमारे पास और डेट टाइम का एक इंडेक्स कॉलम है हमारे पास यार आपको मैंने बहुत स्टार्ट के अंदर एक बात बताई थी डेटा सेट को राइट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं पीडी डॉट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलूँ कि राइट द सी एस वी फाइल तो आपने क्या करना है टी एफ डॉट टू और उसका नाम लिख देना सिंपल अब देखिएगा यहां पे लेफ्ट साइड पे क्या होता है यह आ गया डेटा जी आपके पास दैट्स इट आप इस तरीके से CSV फाइल को राइट डाउन कर लेते हैं इसको मैं ओपन करूं तो ये इस तरीके से मेरे पास डेटा है सीएसवी का मतलब ये होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जहां जहां पे कॉलम कॉलम uh, है वहां वहां पे कॉमा आ जाएगा यहां पर ठीक है तो आपने देखा कि मैंने इसको रीड किया एक डेटा फ्रेम में और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहे डी एफ डॉट हेड अगर मैं करूं तो ये डेटा सेट आ गया मेरा. द थिंग इज आप इसी को एक्सेल की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं ये मैंने सीएसवी में किया राइट द डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट उसके लिए हम क्या करेंगे डी एफ टू एक्सेल एंड आपके पास एक एक्सल की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे Let's see, बनती है कि नहीं बनती इट यूजली टेक्स मोर टाइम तो उसकी जो एक्सटेंशन है आपको पता है एक्सएल एस एक्स होती है एंड दिस इज विल कम आपका डेटा आप की फाइल करने बैठे हैं हमें अच्छा खासा लग रहा है रीजन क्या हो सकती Comma separated value है जगह कम है बिकॉज वी आर यूजिंग दिस फाइल बाय सेपरेटिंग द कॉलम यूजिंग कॉमास हमारे पास पूरा डेटा फ्रेम वो उस तरीके से नहीं आया लेकिन जैसे हम एक्सेल की बात करते हैं ये क्या कर रहे हैं पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को एक एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहे के से करूंगा stops, क्योंकि आपको जब आपको करना पड़ता है काम खराब होते हैं तो बात कहने की ये है कि जब भी आप काम करें बड़े डेटा सेट पे ऑलवेज गो विध सी एसवी क्योंकि आपको हैंडल करना आता हो तो आपके लिए सब कुछ बेहतर होता है ठीक है तो मैंने ये सी एस में राइट कर दिया डेटा एंड एंड इट टिकनली टू पॉइंट एट करना तो भाई आप यहाँ पे कर लो ना क्यों आपने सी एस के अंदर जाना है राइट right जी हमारे पास डेटा आ गया डेटा हमने डाउनलोड कर लिया अब हम क्या करते हैं डेटा को चेक करते हैं कि डेटा कैसा दिखता है मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जैसे ही आप अपने पास मैं यहाँ पे इसको सच रीलोड करता हूँ और एक फंक्शन है जो मेरे पास नहीं चल रहा था आई विल चेक इफ इट्स वर्किंग फाइन मैंने ये सेव कर लिया फाइल इस वजह से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि बार बार मेरे पास वही चीज ना आती रहे मैं सारे ऊपर वाले रन करता हूँ पहले एंड देन आई यूज हेड कमांड अब यहाँ पे आप चेक करें ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से हमें नजर आ रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस डेटा को सी एस बी के थ्रू जब हमने रीड किया ना वी विल सी के डेटा नजर कैसा आता है तो मैं सबसे पहले यहां पे लगाऊंगा डी एफ डॉट डिस्क्राइब और सिर्फ डिस्क्राइब लगा के मैं डेटा देखता हूं आप गौर करें कि हमारे पास यहां पे कॉलम है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कॉलम ठीक है आठ आपके पास एक किस्म के डेटा सेट के नेम्स हैं और यहां पे हमारे जो कॉलम है वो बहुत ज्यादा हैं तो अगर मैं डी एफ डॉट शेप तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रोज हैं पंद्रह हमारे कॉलम्स हैं ठीक है थीके? तो अगर पंद्रह को देखना होगा तो मुझे बार बार ना ये स्लाइडर ऐसे लेके जाना पड़ेगा पीछे आना पड़ेगा स्लाइडर आगे गया पीछे गया इस वजह से मैं यहाँ पे साथ ही बड़ा टी लगा दूंगा विच मीन्स ट्रांसपोज या आप ट्रांसपोज खुद से लिख दें या बड़ा टी लगा दें So now, आपकी जो रोज थी वो कॉलम्स बन गए कॉलम्स जो थे वो रोज बन गए हो गया ठीक है अब आप चेक करें आपका सारे का सारा डेटा कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है एंड दिस इज हाउ योर डेटा लुक्स लाइक देर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस डेटा सेट ये फीचर्स हैं हमारे सारे ठीक है और इसके ऊपर हम काम करके बाकी काम सरअंजाम देंगे टोटल रोज कितनी है जी हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख चार लाख बीस हजार पाँच सौ इक्यावन रोज है चार लाख हजार पाँच सौ इक्का मल्टीप्लाइडल कितना काम बना अगर मैं इनको यहां पे पेस्ट करके इधर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इस तरीके से हल करूं तो छह लाख के करीब हमारे पास डेटा यूनिट्स हैं बल्कि सिक्स मिलियन के करीब नॉट सिक्स लाख दिस इज सिक्स मिलियन छे मिलियन डेटा पॉइंट्स को हम डील कर रहे हैं इसमें मिलियन एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा खासा इसने लेना है। इसी वजह कैलकुलेट द पावर अगर एक आप हो आपको मैं और कमांड एफ डॉट इन जो हम स्टार्ट स्टार्ट में करते होते थे नाउ यू कैन सी ये इतनी रोज हैं आपके पास जैसे हम एंट्रीज बोलते हैं कॉलम हर कॉलम का डेटा कैसा है पहला जो कॉलम है उसका डेट एंड टाइम है एंड ऑफ द डेटा इज इन कौन सी फॉर्म के अंदर नुमैरिक डेटा और हमेशा जब आप चेक करते हैं टाइम सीरीज का डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कैटेगरीज कम होती है नुमैरिक ज्यादा होता है डेटा एंड बेस्ड ऑन द साइकिल यू कैन एक्चुअली प्रोडिक्स डिफरेंट कैटेगरीज ये ये आप पे करता है। है। गर्मियों को सेपरेट कर को कर कर दें, सर्दियों इस तरीके से। जो so जो इसने किया हमारी uh, sorry, RAM की, की uh, so सिर्फ एक टाइम डेटा जो है वो इतनी मेमोरी यूज कर रहे हैं जब आप इस पे प्लॉट करेंगे या कोई काम करेंगे तो ये किस तरीके से आपकी मेमोरी जो है वो यूटिलाइज करेगा राइट right, जी अच्छा ये मैंने डिस्क्राइब किया ट्रांसपोज क्यों किया मैंने आपको बता दिया नाउ वी विल लुक इन टू दिस डेटा सेट के किस तरीके से ट्रांसपोज होते हैं यहाँ पे कुछ एनोमिलीज हैं जो हमें यहीं पे डील करनी है सबसे पहले एनोमिली ये है कि कभी भी डेटा सेट के अंदर विंड वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड जिसका यूनिट होता है ठीक है वो माइनस में नहीं होती माइनस में कभी विंड चलती देखिए मिनिमम और माइनस में इसका मतलब इसकी जगह पे यहां पे आना चाहिए जीरो जीरो इस वजह से नहीं आया कोई सेंसर्स का इशू हो सकता है कोई डेटा कलेक्ट करते वक्त कोई इशू हो सकता है सो दिस विल बी जीरो वी हैव टू कन्वर्ट दैट और अगर आप मैक्सिमम विंड वेलोसिटी ये भी नहीं ये वाली हो सकती सो वी हैव टू फाइंड है मैक्सिमम कौन सी ठीक है विंड वेलोसिटी एक यूनिट है ना जब भी कोई वेदर का डेटा आता है तो अगर आप इसको देखें तो ये प्रेशर है टेम्परेचर है फिर टी पॉट टी ड्यू टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट टाइम पॉइंट एंड दीज आर अदर फैक्टर्स मैं आपको डेटा सेट कि ये हर एक कॉलम का क्या क्या नाम है वे अगर भेजा है एक और मैं आपको लिंक भेजता हूँ वहां पे जाके अगर आप वेदर टाइम सीरीज का जो डेटा सेट है इसके एक एक कॉलम के बारे में जानना चाहे ना तो ये जो वेबसाइट में अभी आपको भेजने लगाऊ वहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस कॉलम का क्या नाम यहाँ पे तो अभी हम एज ए सिंपल मशीन लर्निंग मॉडलर इस पे काम कर रहे हैं एंड लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स तो उस वक्त हम इस पे पे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे Okay. Achá. लिंक आपने ओपन किया होगा आपको पता चल जाएगा कि ये पी का क्या मतलब है प्रेशर क्या होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में टी पॉट का क्या मतलब है? और ये क्या है चाहता क्योंकि वो साइंटिफिक काम है ये किस टाइम पे कैसे कैलकुलेट किया गया हम उसकी तरफ जाते हैं आप ठीक है मैं पहला यहाँ पे लिखता हूँ डी एफ डॉट हेड और मैं पहली हंड्रेड कॉलम्स ले लेता हूं अब आप चेक करें ये डेटा है जी पहला स्टार्ट हुआ यक़म जनवरी 2009 से गौर करने वाली बात है और ये पॉइंट अगर आपको समझ आ जाता है टाइम सीरीज में आप माहिर हो सकते हैं सो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ आपके पास डेटा है कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ है दस मिनट पे ठीक है दूसरी रीडिंग आई है बीस मिनट पे तीसरी तीस पे आई है चौथी चालीस पे आई है पांचवी पचास पे आई है तो डेटा जो है 2009 से लेके अगर मैं यहां पे आपको कॉलम्स का बताऊं तो हमारे पास 2009 से लेके एंड वैल्यूज क्या है जी हमारे पास अगर मैं लास्ट से टेल भी करूं इसकी तो ये टेल है हमारे पास कहां तक का डेटा है हमारे पास 2016 की 31 तारीख का टेल और हेड हमें क्या बता रहा है 2009 से 2016 का डेटा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, छह साल का डेटा है सिक्स इयर्स डेटा समझ आई बात की अद्धी दर्जन सालों का डेटा है 6 सालों का डेटा है और हमारे पास दस मिनट के बाद डेटा आ रहा है अब मुझे कोई बता सकता है छह सालों का डेटा दस मिनट के बाद डेटा आ रहा है और डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट भी हो रहा है और हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट्स हैं सिक्स मिलियन या आप कह लें कि हमारे पास इतनी रोज हैं चार लाख बीस हजार पांच सौ इक्यावन अगर हम इस डेटा को दस मिनट की बजाय दो घंटे का डेटा लेना चाहें हम कौन सी कैलकुलेशन करेंगे कि हर घंटे बाद वाली रो हमारे पास है मतलब हमारे पास डेटा ऊपर से नीचे जा रहा है दस मिनट पहले फिर अगली फिर अगली फिर अगली तो कितनी रोज को स्किप करेंगे कि दो घंटे का हर दो घंटे बाद का हमारे पास डेटा है एक घंटे में होते हैं साठ मिनट मिनट दो घंटे में कितने मिनट हुए एक सौ बीस एक सौ बीस मिनट है दो घंटे में अब मेरी बात सुनिएगा पहली रो का डेटा ले लिया तो मैं कितनी स्किप करूंगा तो एक सौ बीस मिनट वाला मेरे पास डेटा आएगा चले काउंट करते हैं कुलेक्ट फिर इसको बात करते हैं हम आपको लग रहा है कि कम अज कम ग्यारह या बारह ठीक है अभी इस पे बात करते हैं ये मेरे पास सौ का डेटा है राइट जी और मैं चाहता हूं कि ये सारे का सारा डेटा प्रिंट और ये हमारे पास डेटा आ गया मैंने सौ की सौ को प्रिंट कर दिया बाय द वे ये जो फंक्शन मैंने यूज किया ना दिस इज कॉल्ड पीडी सेट ऑप्शन ये आपका पांडास जो है डिस्प्ले करता है मैक्सिमम रोज जितनी मैंने वहां से कॉल की है वो सारी की सारी आ रही सौ की सौ आ गई ठीक है मैं यहाँ पे चलो बीस कर लेता हूँ क्योंकि हमारा काम बीस रोज के साथ है ठीक है ये आ गई मेरे पास मैंने पहली रीडिंग ले ली ये वाली दस मिनट वाली ठीक है अब एक सौ बीस वाली रीडिंग जो मैंने लेनी है दैट्स हियर तो मुझे बताएं क्योंकि मैंने पहली रो का डेटा ले लिया था तो मैं कितनी स्किप करूंगा ग्यारह और करूंगा ताकि मेरे पास दो घंटे दस मिनट का है क्योंकि दस पहला है हमारे पास दस मिनट का लिया है हमने दो घंटे गुजार के अगला लेना है ना दस के बाद हम कितने पे जाएंगे दो घंटे दस पे फिर तीन घंटे दस फिर चार घंटे दस सॉरी दो घंटे दस फिर इसके बाद दो घंटे और गुजारेंगे फिर उसके बाद दो घंटे और फिर उसके बाद दो घंटे और हर दो घंटे बाद का डेटा हमने लेना है इसको बोलते हैं डेटा सैम्पलिंग जो हम अब करने वाले हैं राइट right? समझ आ रही बात की अब हमने ये काम करना है कि जो हमारे पास डेटा है उसकी फॉर्मेट हमें पता है कि किस तरीके से वो मैटर कर रही है हम किस तरीके से देखेंगे कि हमारे पास डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ दस मिनट का आ जाए हां जी इसका सिंपल कोड है सेलेक्ट यहां पे अगर आप लिखें के सेलेक्ट एवरी ट्वेल्थ एक मिनट यहाँ पे आपके पास आ रहा है पांच स्किप कर छठी पे जाए मतलब पांच रोज एंड देन आपके पास अगली फिर स्किप करके छह पे जाना है सो so, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा काम करता हूं तो मेरे पास कौन सा डेटा आ रहा है अगर आप गौर करें तो ये आवरली डेटा आ रहा है और ये कोड जब आप एग्जाम्पल में देखेंगे टेंसर फ्लो के ऊपर जो नोटबुक दी हुई है वहां पे उन्होंने आवरली डेटा लिया हुआ है तो अगर मैं डी के अंदर इंडेक्सिंग के बेस पे सिलेक्शन कर रहा हूं तो यहाँ पे चल क्या आ रहा है डबल कॉलन का क्या मतलब होगा फाइव डबल कॉलन सिक्स पांडास की इंडेक्सिंग याद है आपको अच्छा जब मैं क्वेश्चन पूछने लग जाता हूं सारे सोचने बैठ जाते हैं कि ये चल क्या रहा है हम स्लाइसिंग कर रहे हैं बेसिकली और अगर मैं आपको ये काम कर रहे हैं हम स्लाइस कर रहे हैं डेटा को स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप बता रहे हैं, समझे बात स्टार्ट हमने बता दिया स्टॉप का नहीं बताया उसको हमने नहीं बताया कि तुमने रुकना है कहीं, समझ आई बात की स्टार्ट हमने किया पांचवी से हमने नहीं बताया कि रुकना है कहीं ठीक है फिर आगे क्या हुआ छे का इंटरवल लेना है स्टेप छ का इंटरवल है तो इसका मतलब हमारे पास घंटे का डेटा आ रहा है बारह का इंटरवल है तो हमारे पास दो घंटे का डेटा आ रहा है साठ और साठ एक सौ बीस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स फिफ्थ हमने पांचवें से नहीं स्टार्ट करना अगर मैं सारा डेटा छोड़ू हम पांचवें से अगर स्टार्ट करते थे तो घंटे का हमारे पास टाइम आ रहा था हमने करना है दो घंटे से तो हमने कहां से स्टार्ट करना है ग्यारहवें नंबर से ग्यारह पहले लेना है क्योंकि पहले दो घंटे स्किप किए फिर अगले दो घंटे सो वी विल गो इन इनवर्स मैथड के पहले दो घंटे के बाद हमने डेटा लिया फिर अगले दो घंटे के बाद फिर अगले दो घंटे के बाद फिर अगले दो घंटे के बाद ठीक है सो दिस इज वट वी आर गोइंग टू डू हमने क्या करना है ग्यारह से स्टार्ट करो और हर बारह स्किप करके हमारे पास डेटा आए ठीक है समझ आई बात की अभी मैं आपको दिखाता हूं तो हम क्या करेंगे ग्यारह से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट एवरी ट्वेल्थ रिकॉर्ड इसका मतलब क्या है दो घंटे का डेटा और इसको मैं दोबारा से डी एफ डॉट हेड करके और इसके अंदर मैं दस रोज दिखाता हूँ आपको and then इतना फास्ट तरीके से ये काम चला है कि आप अंदाजा करें विद इन जीरो मिली, मिली सेकेंड के अंदर द ब्यूटी ऑफ पांडास चेक करें आप दो घंटे का डेटा चार घंटे का डेटा छठे का आठ का दस का बारह का कंफर्मेशन भी हो गई कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है हर दो घंटे के इंटरवल में आ रहा है Now we will see another thing. Df dot shape. कितनी रहेगी रोज पैंतीस हजार सिर्फ रह गई चार लाख से पैंतीस हजार गुना हमने डेटा काम किया है तकरीबन ग्यारह बारह गुना वही बात है ना कि दस मिनट पे था डेटा तो हमने बारह स्टेप स्किप किए ना पिछले डेटा में स्लाइसिंग के थ्रू तो हमने रोज को स्लाइस किया यहाँ पे हर बारहवा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बारह बारह एक्स हम नीचे आ गए ठीक है इससे क्या होगा अक्सर था आप ऐसे काम क्यों करते हैं जब आपका डेटा बड़ा होता है यहां पे हमने दो घंटे का डेटा लिया अगर आप तीस मिनट का लेना चाहें तो क्या करेंगे जी यहां पे पहले मैं सारा ऊपर वाला चला दूं दोबारा से क्योंकि डीएफ अब एक्सपेंड हो गया तो मैं इसको डीएफ अंडर स्कोर तीस मिनट का डेटा कहता हूं थर्टी ताकि हमारा डेटा सेट अपडेट ना हो थर्टी क्या होगा यहां पे हम क्या करेंगे जी थर्टी मिनट्स हमने दस बीस तीस दो नंबर से चलना है हमने दो नंबर से हम चले और हमने कितनी रोज को स्किप करना है वी विल सी तीन को तो ये मेरे हमारे पास हर थर्टी मिनट के बाद आ गया ये देखिए जरा तीस मिनट एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे घंटे तीन घंटे सो सो ऑन ऑन एंड एंड फोर्थ ये की टेक्निक है टू रन रन योर मॉडल देन यू कैन द होल मॉडल तो मैं स्टिक करता हूं जनाब अपने दो घंटे के इंटरवल के साथ जो हमने पहले लिखा था यहां पे ठीक है दैट्स वाई वी आर टेकिंग द सैंपल अब हमारे पास पैंतीस हजार रोज आ गई डेटा चार लाख का था यहां तक बात समझ आ गई आपको df एड करके आपने देख भी लिया एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट ऑल्सो भी हम पॉप आउट कर सकते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं डेट टाइम इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करने लगे हैं एफ के अंदर से पॉप करेंगे डेट टाइम का कॉलम विच इज दिस वन ठीक है और इसका फॉर्मेट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से है डेट मंथ ईयर आवर मिनट एंड सेकेंड ऐसे ही जी डेट मंथ ईर आवर मिनट एंड सेकेंड्स ठीक है हमने उसकी फॉर्मेट दे के उसको सेपरेट कर लिया अब इसको मैं रन करता हूं इससे क्या हुआ अगर मैं दोबारा से डी एफ डॉट हैड करता हूं ना यू विल सी अब क्या हुआ बोला आपका जो डेट एंड टाइम का इंटरवल है वो पॉप आउट हो गया वो वहां से निकल गया है ये हम काम क्यों करते हैं अक्सर अकात हम डी एफ पूरे के पूरे को फीचर्स पे ट्रेन करने के लिए ये काम करते हैं एंड वी विल सी इसके और भी काफी फायदे हैं आप इसको पॉप कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट भी वापस कर सकते हैं सो देर आर मैनी थिंगट वी कैन डील ऑन अच्छा अब हम क्या करते हैं इसको प्लॉट करके देखते हैं लेट्स प्लॉट द डेटा सिंपल हमने कौन सा प्लॉट बनाना है कौन से कॉलम्स को प्लॉट करना है वी विल सी मैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का कॉलम बाय द वे आपको कॉलम्स के नाम जो हैं, वो कॉपी पेस्ट करने हैं आपने लाइक दिस वन मैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस तो ये अपना पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें पी एम बार यानी कि दूसरा मैं ये प्रेशर का करूंगा तीसरा रेलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच ओ बल्कि मैं आर एच को करता हूँ

Date and time जो separate हमने हमने है, उसके हमने इसको करने है। we will see that के किस तरीके से हम करते हैं। then हमारे पास कुछ इस तरीके से हम सब सब भी बना सकते हैं। मतलब हर एक को separate के अंदर आप convert करें। ये ये कैसे काम है हमारे पास। पहला प्लॉट और दूसरा प्लॉट हमने दो के प्लॉट्स बनाए हैं है। इसको थोड़ा सा जूमआउट करता हूँ इसको दोबारा से रन करते हैं तो ये हमारे पास जो मैंने स्टार्ट के अंदर ये वाला साइज रखा था दस और 6 का इसको पंद्रह और 6 करता हूं मैं लेट्स प्लॉट इट अगेन तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा प्लॉट हो हमने क्या किया है? ये जो डेट एंड टाइम का कॉलम बनाया था ना ये वाला इसको इंडेक्स के थ्रू हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं यानी कि प्लॉट करो इन सारे फीचर्स को यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट एज एन इंडेक्स कि यहां पे ये नीचे आए और फिर इनको सब प्लॉट के अंदर हमने बना दिया अगर मैं सब प्लॉट नहीं करता यहां पे इनको एक्स कर देता हूं तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा हम यहां पे पी एल टी डॉट अगर शो भी करते हैं नथिंग कमिंग आप क्यों वजह क्या है हमने फीचर्स को प्लॉट तो किया हमने डी एफ प्लॉट भी कर दिए है लेकिन एट हमने इंडेक्स बताए यहां पे हमने कोई प्लॉट का फंक्शन यूज नहीं किया हमने सिर्फ कॉलम सेलेक्ट किए एंड दैट्स इट ठीक है it, अगर हम यहां पे अब चेक करें हम प्लॉट अंडरस्कोर फीचर्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं प्लॉट अंडरस्कोर features dot plot let's see ये हमारे पास प्लॉट बन गया ठीक है प्लॉट बन गया एज इट इज लेकिन अगर हम सब प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास इस तरीके से सब प्लॉट बनाएगा दैट्स वाई वी यूज द कमांड सब प्लॉट कोई इसमें कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है अच्छा ये हमने पांडास के थ्रू बनाए हैं प्लॉट्स कोई सी एन एस कोई आर एन एन कोई ऐसी चीज यूज नहीं की लेट्स मेक द सेम प्लॉट इन प्लॉटली लेट्स प्लॉट द सेम प्लॉट्स इन प्लॉटली तो सिंपली आपने इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस करना है और ये जब भी मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूं इट्स ऑलवेज बेटर के आप उसको जाके ऊपर रन कर रहे हैं एक दफा ताकि यहाँ पे आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े बार बार ठीक है अभी मैं चलने देता हूँ इसे सिंपल लेट्स हमारे पास क्या आता है एक बात याद रखिएगा हमारे पास ये जो प्लॉट बनेगा ना इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि हमारे पास डेटा के पॉइंट्स पैंतीस हजार ये पैंतीस हजार पॉइंट्स का डेटा हम शो कर रहे हैं यहाँ पे पैंतीस मल्टीप्लाइड बाई टू कितना हुआ सत्तर हजार ये सत्तर हजार पॉइंट्स है जिन्हें हम शो कर रहे हैं दो हमारे पास आ गई अब आप चेक करेंगे प्लॉट को इतना अच्छा नहीं बना ठीक है अगर मैं इसको मेक सब प्लॉट्स लेट्स सी ये क्या करता है आई एम जस्ट यूजिंग द कमांड फ्रॉम कोई फायदा नहीं हुआ स्टिल डजेंट मैटर अगर हम यहां पे प्लॉट कॉलम की बजाय अगर डायरेक्टली उसी कॉलम का ही नाम लिख दें ये वाला टी ए से डिग्री डी एफ एक्स डेट टाइम ट oh, आप बना लें कटे ना बनाओ तो अगर आप फिगर एक और बनाए इस तरीके से दिस इज फाइन इसके बाद फिग इज इक्वल टू पी एक्स डॉट लाइन दूसरा एम बार का बन गया फिग शो आई एम होपुल के दो बनाएगा एंड यस दीज आर टाइगर्स एक हमारी पी एम बार की है और एक हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस की है और अगर हम एक का कलर डिफरेंट कर दें देन इट विल बी फाइन लाइन कलर था रेड right. नहीं यार क्या था वो सी प्रीवियस वन Update traces. Yes. So हमारे पास ये दो प्लॉट बन गए सेपरेट बने हैं जारी बात है आप इनको सब प्लॉट में भी बना सकते हैं और आप सिंग सिंगलर सिंगुलर प्लॉट में बना सकते हैं

तो इस तरीके से आप अपना प्लॉट देख सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट ओनली वो चीजें जो आपके एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में आती हैं यू कैन डू दैट वेल ठीक है well, वो कैसे कर सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये दो हमने प्लॉट किए और अगर मैं चाहता हूं कोई स्पेसिफिक टाइम यहां पे प्लॉट करने का मैं चाहता हूं कि पहले 500 घंटे का मुझे डेटा बताओ पहले 500 घंटे का कैन डू पांच सौ घंटे में मेरे कितनी रोज आएंगी वो मुझे देखना है तो आपको क्या लगता है कितनी रोज आएंगी पांच सौ घंटे में टू करेंगे ना? दो घंटे का इंटरवल है हमारे पास क्या ख्याल है ढाई सौ रोज आएंगी तो अगर मैंने पांच सौ घंटे का डेटा ड्रॉ करना है तो मैं कितना लगाऊंगा यहां पे? आ, कॉलन, टू फिफ्टी। ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि स्टार्ट कहीं से भी डेटा जहां से वहीं से स्टार्ट करो मतलब जो बिल्कुल इनिशियल है और एंड करो दो सौ पचास तक ये वही स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाली चीज याद रखें यहां पे जो हमने देखी थी स्टार्ट स्टॉप स्टेप स्टार्ट. स्टार्ट का मतलब है कहीं से भी स्टार्ट कर लो सिर्फ स्टॉप बताया है हमने स्टेप हमने कोई नहीं बताया हमने सारी चीजों को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ हमने स्टॉप बताया है कि वहां तक आप स्टॉप कर दो और किस चीज को स्टॉप कर दो इस डेटा को ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं प्लॉट के अंदर इसको 250 पे स्टॉप कर दो एंड नाउ द प्लॉट्स आर ओनली फॉर दोज आवर्स लेट मी सी अगेन डेट एंड टाइम को भी हमने वहां तक सॉरी oh, यहां पे ये गलत है दिस शुड बी हेयर एंड इट बी फाइन यस ये आपके पास फौरन से आ गया जनाब ढाई सौ घंटे पांच सौ घंटे का टाइम ठीक है अगर आप चाहते हैं 5000 हजार घंटे का है तो आपने सिर्फ जीरो लगाना है कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए ये 5000 हजार घंटों का टाइम है पच्चीस हजार घंटों का टाइम देखना है दिस इज पच्चीस हजार घंटों का डेटा पच्चीस हजार घंटे वेदर का डेटा लेट्स सी दो लाख पचास हजार घंटे होते हैं कि नहीं होते होते हैं भाई शोइंग समथिंग मुझे नहीं पता कि होते हैं या नहीं होते बट इट इज शोइंग समथिंग चलो मैं एक जीरो और बढ़ाता हूँ स्टिल इट्स शोइंग समथिंग इसका मतलब आप चेक करें एंड पे डेटा कटने लग गया इसको अगर गौर करें ना ये कटने लग गया तो आपको क्या लगता है हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कितने आवर्स का डेटा है हमारे पास आसान तरीका आपको मैंने बताया डीएफ डॉट शेप आप चेक करें पैंतीस हजार शेप है पैंतीस हजार जीरो पैंतालीस मल्टीप्लाइड बाय टू सत्तर हजार का डेटा है हमारे पास ऐसे ही है कि नहीं पैंतीस हजार रोज हैं हर रोज दो घंटे के ट्रेवल टाइम को सॉरी घंट वेदर डेटा को शो कर रही है पैंतीस मल्टीप्लाइड बाई टू सत्तर हो जाएगा सो दैट्स हमारे पास जो डेटा जैसे हम मूव करते जा रहे हैं आगे से आगे हमारे पास डेटा डिफरेंट वे में आ रहा है सो so ये मैंने पांच सौ घंटे का डेटा शो किया राइट right जी तो आपको एक अंदाजा हो गया कि डेटा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है अगर आप स्पेसिफिक टाइम का डेटा शो करवाना चाहते हैं यू कैन यूज दिस टेक्निक तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं सिमिलरली इसी चीज को यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि ये वाला जो डेटा सेट है हम नीचे शो करवाएं ठीक है यहां पे मैं कहता हूं लेट्स अलॉट ओनली द फर्स्ट फाइव हंड्रेड आवर्स डेटा सेट विच इज इक्वल टू एक रोज रोज रिकॉर्ड्स ठीक है जी तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉलम टू फिफ्टी Column 250 and they hear you go ये आपके पास डेटा आ गया तो आपको समझ लग रही है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं कोई इसमें मुश्किल चीज तो नहीं है अगर हमने इसको डिकंपोज करना हो तो स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं हम from stats models dot ts और हम सीजनल डिकंपोज को यूज कर सकते हैं let's do it अब यहाँ पे डेटा को सीजनल ड

और उसके पीरियड्स भी बता रहे हैं कि कितने पीरियड्स का डेटा है यानी कि कितने साल का डेटा है या कितनी दफा वो डेटा है ठीक है अब अगर यहाँ पे हम सीजनल सीजनलोज को यूज करते हैं इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ रिजल्ट या डीकम्पोज इक्वल टू सीजनल डीकम्पोज और मैं सिर्फ टेम्परेचर को जो टेम्परेचर का हमारा डेटा है उसे डीकम्पोज करके देखता हूँ मॉडल एडिटिव भी यूज कर सकते हैं और आर डिफरेंट मॉडल्स जो बेस बेस की base पे हम चेक करते हैं एडिटिव क्यों यूज कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेटिव क्यों यूज करते हैं इट डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट ठीक है एडिटिव अब पहले यूज करते हैं फिर मल्टीप्लीप्लिकेटिव में आपको करके दिखाता हूँ हम इसको करते हैं डीकम्पोज का प्लॉट कोई चीज आपको समझ आ रही है इसके अंदर आप चलो ये तो हो गया डेटा ट्रेंड आपको कोई नजर आया इसमें ट्रेंड कोई नजर आया आपको कुछ भी मुझे नहीं लग रहा ट्रेंड अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेटिव करता हूँ स्पेलिंग गलत हो रही है और सीजन मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल कितने साल का डेटा है हमारा सात साल का एक मिनट नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह आठ साल का डेट है चलो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है कुछ भी नहीं बन रहा अगर इसको मैं थ्री सिक्सटी फाइव करता हूँ तो क्या बनता है स्टिल नॉट वर्किंग ओके एडिटिव ही चलेगा इसमें जीरो वैल्यूज भी हैं हमारे पास अब चेक करें तो कोई बन रहा है आपके पास डेटा सेट का कोई सीन साइकल्स आपके पास आ रहे हैं कब टेम्परेचर हाई हो रहा है कब लो हो रहा है यू कैन सी एवरी ना क्योंकि ये आपके आठ फैक्टर हैं अगर मैं इसको तीन की बजाय आठ पे करता हूँ लेट्स सी नो ये आपके पास अब आठ सालों का डेटा एंड इट्स शोइंग समथिंग लाइक दिस पीरियड जो हैं अगर मैं 365 करता हूँ इट विल स्म दैट आउट इसके बारे में हम पढ़ेंगे जरूर इनशाला किस तरीके से एडिटिव काम करता है मल्टीप्लीकेटिव तब काम नहीं करता जब आपके पास जीरो या नेगेटिव वैल्यूज हो ठीक है क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में जीरो पे भी जाता है और जीरो का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी है तो इस वजह से हमने ये वाला यूज किया ना यू कैन सी द ट्रेंड अब अगर यहां से यहां तक एक साल है अब एक सेंस लगानी है हमने जरा गौर कीजिएगा इस बात पर ये यहां से यहां तक एक साल है ये दूसरा है ये आपका तीसरा साल है यहां पे सॉरी यह ये आपका चौथा है पांचवा छठा सातवा एंड आठवा तो हमें पता है आठ साल का डेटा एंड वी कैन डिवाइड एक्चुअली इन टू एट राइट? कर सकते हैं ना डेटा को शो करके यही काम तो किया डी कम्पोज ने अगर आप गौर करें तो ट्रेंड की बेस पे आपको आठ तरीकों में इसने डिवाइड कर दिया डेटा आठ जगहों पे अब आपको पता है कि साल का सेंटर जो होता है वो होता है जून ऐसे ही है आप गौर करें हर जगह पे जून जुलाई के अंदर क्योंकि ये जर्मनी का डेटा है तो जर्मनी में जून और जुलाई इन दोनों में तकरीबन तो गर्मी ज्यादा होती है जुलाई में ज्यादा होती है और अगस्त में और भी ज्यादा हो जाती है फिर कभी कभी सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सी कि अच्छा मिड ऑफ द ईयर टेम्परेचर ज्यादा है इज नॉर्मल सभी को पता है लेकिन जो चीजें आपको पता है उसकी कंफर्मेशन लेना बड़ी अच्छी बात होती है लाइक like दिस आप ये इतने से एरिए को भी ड्रॉ कर सकते हैं और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जनाब टेम्परेचर ऐसे जा रहे हैं हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा है लेकिन एनोलॉजी वही लग रही है जो मैंने अब आपको पहले दिखाया था पैसेंजर्स का डेटा याद है यार ये जो मैं पहले डेटा पे हमने काम किया था पैसेंजर्स के डेटा पे सेम एनोलॉजी यहाँ पे काम कर रही सो नाउ यू नो के टेम्परेचर इस तरीके से हमारा डिकम्पोज हो रहा है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर हियर चर और रेजिड्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंट वे में आएंगे आपके पास सो वी डोट दैट अच्छा मैंने डिग्री टेम्परेचर को यहाँ पे कर लिया अब सिर्फ और सिर्फ लेट सी नॉट वर्किंग मेरे ख्याल से एक और यहाँ पे लगाना पड़ेगा होपफुल डेटा ड्रॉ किया यहाँ पे ना ये सही नहीं है Doesn't make sense. इसको अभी करते हैं. Go further. अगली बात पर मूव करते हैं अगर यह टेम्परेचर इस तरीके से मूव कर रहा है, से पता है कि प्रेशर कब ज्यादा होता है, गर्मियों में या सर्दियों में और ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है नहीं पता तो आप डेटा से चेक कर सकते हैं अब इसी सेम चीज को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम टी डिग्री सेल्सियस की बजाय मैं सिंपली कौन सा कॉलम उठा के लेके आने वाला हूँ प्रेशर का मैं कॉपी पेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेसिस और बड़ा और छोटा ये काम खराब करते हैं फ्यूचर में ले आप कोई सेंस बन रही है यहाँ पे प्रेशर की कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स आप देख सकते हैं कोई एक साइक्लिक पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहा अगर आप गौर करें तो ठीक है जैसे हमारे पास यहां पे ये तो ट्रेंड था ना कि ऐसे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है ऐसे नीचे आ रहा है और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट किस्म का एक पैटर्न आ गया था ट्रेंड्स की बेस पे ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर हमें पता था कि ये सारा कुछ हम डिवाइड कर सकते हैं एंड देन सीजन की बेस में हम देख सकते हैं कि गर्मियाँ कहाँ पे हैं सर्दियाँ कहाँ पे हैं गर्मियाँ कहाँ पर सर्दियाँ कहाँ पे कहाँ पे टेम्परेचर कैसा है और कहाँ पे कैसे एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड इन द प्रेशर वी कांट से किस साइड पे प्रेशर जा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्लक्चुएटेड है यहाँ पे बिल्कुल ही ऊपर चला गया एंड पे और यहाँ पे भी तकरीबन ज्यादा है एंड इफ वी सी लाइक दिस तो यहाँ पे भी ज्यादा है ठीक है तो प्रेशर का कोई अंदाजा नहीं हम लगा सकते फोर्थ ट्रेंड सीजन का हम अंदाजा लगा सकते हैं माइट बी ठीक है साइकिल्स कैसे पता करते हैं आप? आपको पता है आप इनकी बेस पे पता करते हैं कि ट्रेंड कैसा चल रहा है एक चीज ऊपर आई या नीचे गई या फिर वही रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेडली सेम काम अगर हो रहा उसको है उसको साइकिल बोलते हैं ना एक काम हुआ फिर वैसे स्टार्ट हो गया फिर वैसे स्टार्ट होके वो खत्म हुआ फिर वैसे दैट्स कॉल्ड साइकिल तो यहां पे कोई साइक्लिक आपको चीज नहीं नजर आ रही प्रेशर में चलो प्रेशर को छोड़ो अब अगले काम पे चलते हैं हम यहां पे प्रेशर की बजाय आर एच अगर लगाए विच इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मी सी इसका पूरा नाम क्या है परसेंटेज ये इसको हम डीकम्पोज कर रहे हैं वी कैन सी ए काइंड ऑफ साइकिल हियर एक एक पैटर्न नजर आ रहा है लेकिन इट्स स्टिल डिफरेंट बट वी कैन एक्चुअली के के एट किस्म साइकिल आठ किस्म के साइकिल हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि एक ही एक साइकिल होता है ना अगर आप गौर करें तीन सौ पैंसठ दिनों के बाद ही साइकिल आता है ना ऐसे ही होता है ना ईयरली अगर हम देखें तो तीन सौ पैंसठ का पीरियड हमारे पास साइकिल का चलो अब एक और चीज यहाँ पे अगर करूं मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल पीरियड के ऊपर आठ तो ये हमें इस तरीके से वैल्यूज देने लग जाते हैं क्योंकि अब ट्रेंड की जो नोयत है वो डिफरेंट हो गई ठीक है अब ट्रेंड सिर्फ आठ वैल्यूज को देख के चल रहा है कि ये ऊपर गई है कि नीचे तो उसको ऐसे क्लोज क्लोज लाइनें लगा रहा है जैसे मैं तीन सौ को स्मूथ आउट करता हूं तो वो इस तरीके से लाइने लगा रहा है अगर मैं इसको हमारे पास दो घंटे की वैल्यू है अगर मैं इसको एक के करीब करूं आई डोंट नो वट विल हैपन आप देखें और स्मूथ होकर आपके पास चीज आ रही तो ट्रेंड और उतनी वैल्यूज को एड करता जा रहा है इस वजह से पीरियड को भी मेनटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है टू फाइंड द द बाय वे इन चीजों को हम प्लॉट कर सकते हैं एंड वी कैन डू मेनी अदर स्टफ हियर इनको प्लॉट करने के लिए कभी आप लाइन प्लॉट भी करते हैं कभी आप इसको ऐसा कर देते हैं कि आप सिंपली आप सब प्लॉट्स के अंदर प्लॉट कर देते हैं सो देर आर मेनी थिंग्स विच कैन यू कैन डू विद प्लॉटली एंड अदर स्टफ टू अंडरस्टैंड के डेटा किस तरफ जा रहा है ठीक है अब इसके बाद अगर आप क्लीन अप करें यहाँ पे तो मैंने आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि वो जो नेगेटिव वैल्यू हैं डिस्क्राइब वाली मैं दोबारा से वो फंक्शन लगाता हूँ बल्कि एंड पे वैसे लगा देता हूँ लेट्स क्लीन अप क्लीन अप द डेटा जो अनोमिलीज कुछ नज़र आई हैं तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि डेटा में को नल तो कि कोई नल वैल्यूज़ हैं या नहीं ठीक है तो आप देखेंगे कोई नल वैल्यू नहीं है और यूजअली टाइम सीरीज़ के डेटा में नल वैल्यूज़ नहीं होती ठीक है नल वैल्यूज़ का मतलब खाली डब्बा वो बहुत कम होता है नल वैल्यूज़ नहीं है then we will see tf हमने टाइप पहले चेक कर लिए टी एफ डॉट का फंक्शन लगाता हूँ डॉट ट्रांसपोज हमने अब ये वाली दो वैल्यूज रिमूव करनी है ठीक है ये जो दो एरर्स आ रही थी जो मैंने पहले भी आपको दिखाई इनको करने के लिए हम सिंपल एक फंक्शन यूज करेंगे विंड विंडोसिटी को चेक करके और उसको हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास wv वी इज इक्वल टू विंड विलोसिटी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया विंड विलोसिटी का जिसके अंदर हमने इस एक कॉलम को कॉल कर लिया ठीक है उसको कॉल कर लिया और अगर मैं यहां पे एक बैड विंड वेलोसिटी बताऊं जहां जहां पे आपके पास बैड विंड वेलोसिटी है यानी कि जहां पे विंड वेलोसिटी की वैल्यू माइनस नाइन 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 पॉइंट जीरो है वो वाले कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए जो इसके अंदर आ गए सारे के सारे समझ आई बात की विंड वेलोसिटी के अंदर यानी कि इस कॉलम के अंदर जहां जहां पे माइनस नाइन 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 पॉइंट जीरो है उसको सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है हमने कहना है कि इसको जीरो के इक्वल कर दो क्योंकि मिनिमम विंड वेलोसिटी जीरो होती है समझ आ गई यहां पे और जैसे हमने ये किया है इसको मैं रन करता हूं नाउ हम डीएफ डिस्क्राइब दोबारा से रन करते हैं छोटा सा फंक्शन है कितना बड़ा काम कर गया ये मजा है अकोर्डिंग का एक्सेल में आप बैठे रहते कोड लिखते सो दे हैव हैव यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और वैसे भी एक्सेल पे अगर आप डील करने बैठे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है so, सो हमने ये विंड वेलोसिटी को डील किया एक और कॉलम है हमारे पास मैक्सिमम विंड वेलोसिटी जिसकी वैल्यू आई है ये वाली ठीक है अब हम इसको कैसे डील करेंगे वी कैन री रन दैट इसको अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल मैक्स Wind velocity, हमने वो कॉलम सिलेक्ट किया यहाँ पे हम बैड वैल्यूज जो है मैक्सिम विड विलोस्टी वो सिलेक्ट करेंगे एंड देन डील इट इन डिफरेंट वे कैसे हम डील करेंगे see now. Zero. Let's see now. अब मैंने दोबारा किया ये भी जीरो होगी अब इसको जीरो करने में और सोच थी इसको जीरो करने में और सोच है बताता हूं आपको जब ये जीरो हो गई ना तो ये मैक्सिमम नहीं रही विंड वेलोसिटी उस वक्त इसका मतलब ये है कि हमने हमारे पास जो वैल्यू गलत साबित हो रही थी फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें तो मैक्सिमम विंड वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है ये अगर ये इस कॉलम को देखें ये मैक्सिमम विंड वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू जीरो है मैक्सिमम इसकी तेईस है समझ आई बात की

हमने सिंपली इसके ऊपर एक मॉडल प्रिपेयर करना है एंड उस मॉडल के बेस पे हमने प्रडिक्शन करना है राइट जी देर आर मैनी अदर थिंग्स जो हम इसके ऊपर अभी कर सकते हैं लाइक like, कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है किस डेटा सेट को हमने रखना है अपने पास के डेटा सेट को हमने रिमूव करना है बट वी विल डायरेक्टली गो एंड स्प्लिट द डेटा हेयर हम यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन नहीं कर रहे मैं कहता हूँ सारा आने दो वी डोंट नीड टू रिमूव एनीथिंग ठीक है स्प्लिट द डेटा अब हमने डेटा को स्प्लिट करना है तीन चीजों में ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्ट तो मैं यहां पे लिखता हूं यहाँ पे बेसिकली मैं लिख देता हूं मॉडलिंग हमने डेटा को तीन चीजों में डिवाइड करना है ठीक है और ये आपने बताना है कि किसको ट्रेनिंग में रखना है किसको रखना है वैलिडेशन में और किसको रखना है किस जगह पे ठीक है हमारे पास टोटल कितना डेटा है हमने उस हिसाब से अंदाजा लगाना है कि हमने किसको ट्रेनिंग में रखना है किसको वैलिडेशन में और किसको टेस्ट के अंदर इट्स अप टू यू राइट हमें परसेंटेज के हिसाब से भी हम देख सकते हैं हम डिफरेंट वे में भी देख सकते हैं एक बात याद रखें कि जब हम पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते थे ना हम कुछ डेटा स्प्लिट कर देते थे कुछ ट्रेन यहाँ पे हमें सिक्वेंशियल डेटा रखना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए अगला प्रोडिक्शन के लिए टेस्टिंग के लिए ये नहीं होगा कि एक एक पॉइंट को हम रख लें क्योंकि ये सीक्वेंस का डेटा है तो सीक्वेंस का सेट ही ट्रेनिंग में जाना है कि जहां से शुरू हुआ कहीं पे एंड हो रहा है उसी को हमने रखना है सो कीप इन माइंड कि हमने यहां पे सीक्वेंस का डेटा सारा वो लेके आना है उसके लिए हम क्या करेंगे हम सेट करेंगे कि कौन सा हमने स्प्लिट करना है 70 20 एंड 10 के अंदर कर सकते हैं लेकिन रैंडमली शफल डेटा नहीं हमने करना है इसमें हमने स्पेसिफिक सीक्वेंस का डेटा करना है ठीक है उससे क्या होता है हमने स्पेसिफिक विंडो ऑफ डेटा को चॉप करना है मतलब क्या ये है जी आपका पूरा डेटा मैं अगर इसको जूमआउट करूं थोड़ा सा देन आई विल शो यू ये पूरा डेटा है आपने क्या करना है इसका एक हिस्सा रखना है ट्रेनिंग के लिए एक हिस्सा रखना है टेस्टिंग के लिए और एक वैलिडेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रेनिंग का हो गया इसमें जितनी रोज आती हैं आप रख सकते हैं बाकी ये हो गया आपका टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के लिए ठीक है राइट so ओके right? okay. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं अपने आप से आज बातें कर रहा हूँ क्योंकि को कोई रिस्पॉन्स नहीं है सारे सुते हुए मेरे ख्याल में कोई बात नहीं ऐसा भी होता है कभी कभी ओके डी एफ डॉट में दोबारा से यहाँ पे ले आता तो मेरे पास 35,000 हजार डेटा डेथ सी अच्छा जी कितना डेटा मैं रिकॉर्डिंग के लिए रख सकता हूँ लेट्स टेक नेक्स्ट फॉर वैलिडेशन एंड रिमेनिंग डेटा फॉर टेस्टिंग मेरे पास हैं इतनी रोज जो मैं उनको ट्रेनिंग के लिए रख लूं तो 35,000 का 70 परसेंट कितना होगा अगर मैं सेवेंटी रखूं ट्रेनिंग के लिए बीस परसेंट वैलिडेशन के लिए दस परसेंट टेस्ट के लिए समथिंग लाइक दिस मैं यहां पे कहता हूं आई हैव रिकॉर्ड्स मेक सेवेंटी परसेंट फॉर ट्रेनिंग ट्वेंटी परसेंट फॉर वैलिडेशन एंड टेन परसेंट फॉर टेस्टिंग ठीक है यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देना गेटा ने ने सो यू डोंट कोपाइर चौबीस हजार पांच सौ इकतीस में रख रहा हूं ट्रेनिंग के लिए देन देन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ठीक है ओके हो गया टोटल इतना बनता है ट्रेनिंग डेटा सिंपल यही काम है जनाब आपका आपने बताना है शुरू से शुरू कर लो यार पांडास की स्लाइसिंग बड़ी मैटर करती टाइम सीरीज में अगर किसी को इसकी समझ नहीं है तो भाई अल्लाह हाफिज आपका

आसान काम यही है अगर मैं इसको तीनों की शेप देखना चाहे तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं ये आ गया जी चौबीस हजार पांच सौ इकत्तीस यहां पर है सात हजार नौ यहां पर एंड पैंतीस हजार पांच यहां पर आए और हर किसी के पंद्रह पंद्रह कॉलम्स हैं डेटा सप्लिट हो गया समझ आ गई हम यहां पे रैंडम शफलिंग क्यों नहीं करते

और वैलिडेशन का भी कोई सा भी टाइम सीरीज में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ठीक है जी? ओके। okay. इसकी वजह क्या है? हम सेवेंटी और बाकी परसेंटेज इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर अच्छा चले मैं आपको एक बात समझाता हूँ मेरे पास है आठ साल का डेटा ठीक है आठ साल के हर महीने में भी साइकल्स हैं हर साल में भी साइकिल आठ टोटल में साल है ना तो एक साल खुद भी साइकिल है लेकिन एक महीना भी तो साइकिल है ना जनवरी बार बार ही आ रहे तो हमारी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा कीप इन माइंड क्योंकि साइकिल छोटे वैल्यू में भी है मैंने आपको बताया था ना दिन भी तो एक साइकिल है ना सुबह का टेम्परेचर और शाम का और हम ले रहे हैं दो दो घंटे की रीडिंग सो दैट इज अनदर साइकिल इन बातों को जरा गौर से समझिएगा हमने ले लिया जी शेर अब हम क्या करते हैं तीनों का मीन लेते हैं एवरेज चेक करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास तीनों की मीन है हमारे पास उसका फायदा क्या होगा हम नॉर्मलाइज करेंगे डेटा कैसे लेट्स प्लॉट पहले मैं आपको करवा के दिखा देता हूं कि ये तीन डेटा सेट है हमारे पास बेसिकली और ये टोटल इनके सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे प्लॉट हो रहे हैं ठीक है तो ये खिचड़ी जरूर बनी है आई नो दैट लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें अगर मैं इसको सेपरेट बनाऊं तो ये आपका एक प्लॉट है और इस तरह के डेटा को हम किस तरीके से नॉर्मलाइज कर सकते हैं वी आर गोइंग टू सी दैट ठीक है ये ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्ट तीनों के प्लॉट्स हमने बनाए और हमने पूरे के पूरे डेटा पे बना दिए प्लॉट अब समझ आइए क्यों हमने स्टार्ट में डेट एंड टाइम को सेपरेट किया था उसकी रीजन कुछ समझ आई है आपको क्योंकि वी नो दैट के हमारे पास जब हम डेटा सेट को पूरे के पूरे को सेपरेट कर लेते हैं थिंक कि किस तरीके से ये काम कर लेट्स मूव फर्दर अच्छा हम मीन लेंगे ट्रेनिंग का और फिर हम लेंगे उसकी स्टैंडर्ड एविये क्यों लेना है क्योंकि अगर आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये होता है इसको स्केलिंग भी बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलिंग भी हमने यूज की सम अदर मेथड्स भी यूज्ड एज वेल लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि आप मीन लें उस ट्रेन के अंदर से मीन को सेपरेट कर दें डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एवियेन कर दें तो आपका पूरे का पूरा ट्रेनिंग का डेटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा ठीक है एंड इसी तरीके से आप वैलिडेशन को भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप जो आपका डेटा सेट है टेस्ट का उसे भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं राइट right? okay. तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रेनिंग के मीन पे करना है और या आपने सेपरेट सभी का जो मीन है उसको लेके उसके ऊपर पूरे के पूरे डेटा सेट को स्टैंडर्डाइज करना है यूजली बेहतर ये होता है कि आप बड़े डेटा सेट के मीन के ऊपर डिवाइड कर देंगे जो ट्रेनिंग है ठीक है तो इस वजह से हमने टेस्टिंग और वैलिडेशन को भी सेम मेन और सेम स्टैंडर्ड एविएशन पे डिवाइड किया है ठीक है ताकि हमारी इक्वेशन में तीनों की स्टैंडर्डाइजेशन सेम हो समझ रहे हैं बात को क्योंकि जो हमारे पास मेन आया उसके ऊपर हमने माइनस करके स्टैंडर्ड एविएशन पे डिवाइड जब किया ट्रेनिंग डेटा को वो हमारे पास नॉर्मलाइज हो गया ये नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है ठीक है और आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को भी यूज कर सकते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए लेकिन दिस इज द बेस्ट मैथड आप इसके तरीके से आप कर लें तो वह ज्यादा बेस्ट है अब हमारा डेटा हो गया नॉर्मलाइज अगर मैं दोबारा से इसे प्लॉट करूँ कॉपी करने के लिए क्योंकि नॉर्मलाइज ये वो स्केलिंग वाली चीज है आपको कदरे अच्छा रिजल्ट तो नजर नहीं आएगा यहाँ पे लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स जो यहाँ पे मैटर कर रही है अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर चेक करें तो आपके साइकिल्स डिफरेंट होंगे और यहां पर डिफरेंट होंगे क्योंकि डेटा जो नॉर्मलाइज हो गया रीजन क्या है लेफ्ट स्केल की तरफ गौर करें यहाँ पे कोई तेरह हजार की तरफ जा रहा था यहाँ पे चौदह सौ दो हजार लेकिन जैसे हमने उसको स्केल किया ये उसके मीन के घूम रहे हैं ये चेक करें जरा डेटा स्केल्ड हो गया छोटा डेटा हो गया लेफ्ट साइड पे ठीक है सो हमने स्केलिंग कर दी है अब आगे चलते हैं ओके हम सिर्फ टम्परेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए काम करने वाले हैं कुछ मेथड्स होते हैं स्प्लिटिंग के और बाकी विंडो साइज़ बनाने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट लेकिन हम एक टेम्परेचर को बनाने के लिए बेस्ड ऑन द पास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स डेटा या बेस्ड ऑन द पास्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जो हमारे पास है उसकी बेस पे हम टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है, है? आ, ये जो मैथड्स हैं हमारे पास कि हम विंडो करते हैं डेटा सेट के ट्रेन द मॉडल करने के लिए उसको हम देखते हैं और फिर वैलिडेट करने के लिए फिर हम टेस्ट करने के लिए कुछ विंडोज बनाते हैं ठीक है और फिर हम उसको एट प्लॉट करते हैं लेट्स सी, मैं आपको जो ब्लॉग है उसके ऊपर डायरेक्टली ले जाता हूँ क्योंकि चीजें अब थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली आई विल शो यू दैट वन एज वेल मैं यहां पे नोटबुक को उसको डाउनलोड करता हूं और इसका लिंक भी आपको मैं भेज दूंगा डोंट वरी अबाउट दैट ये बाय द वे टें की नोटबुक है जिससे कुछ गाइडलाइंस मैंने ली हैं बट एट दी एंड ये नोटबुक ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास सो यू कैन सी कि यहाँ पे डेटा लोड हुआ है टी एफ एड किया है एंड देन दे प्रिंटेड आउट समथिंग इसमें कुछ मैंने एडिशन की है फिर हमने ट्रांसपोज किया था डेटा को विंड वेलोसिटी को हमने नॉर्मलाइज यहाँ पे किया था ज़ीरो और वो बाकी चीज़ें फिर फीचर इंजीनियरिंग उन्होंने की है जो मैंने स्किप की थी क्योंकि आई वॉन्ट टू टेक ऑल द फीचर्स इन हैंड आप भी कर सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग इफ़ यू वॉन्ट उसकी बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसको प्लॉट कर लेंगे and then हमने यहाँ पे पहुँचे नॉर्मलाइज किया डेटा को नाउ वी विल सी के नॉर्मलाइज करने के बाद विंडोज़ कैसे बनाई जाती हैं मैं यहाँ पे ऊपर वाले सारे सेल को रन करता हूँ टेंसरफ्लो के अंदर रहते हुए ताकि हम एक सेम प्लेस पे आ हैं जहाँ पे ये वाली नोट ओके okay. ठीक है जी ये हमारे पास रन हो गई है हमने अब डेटा की विंडोज बनानी है अच्छा डेटा की विंडोज कैसे बनती हैं और विंडोज होती क्या है और विंडोइंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम माइंड में रख के आगे चल सकते हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हमारे पास डेटा जब नॉर्मलाइज हो जाता है ना हम डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन फिर चेक जब करते हैं ना डेटा की तो वो कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा होता है ठीक है सेंटर हमारा बिल्कुल उसका होता है जहाँ पे उसका मीन है

अच्छा मुझे पहले बता दें कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं देन वी कैन टेक अ ब्रेक नाउ और हम इसको नेक्स्ट डे क्लास में रख सकते हैं अदरवाइज फ्रॉम फ्राम विंडोइंग इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम क्योंकि हमने दो तीन फंक्शंस डिज़ाइन करने हैं एंड देन वी विल प्लॉट द डाटा एट द एंड हमारे पास डेटा सेट के बाद विंडो जनरेटर के बाद आपके पास यहाँ पे जाके आपने फिर मॉडल को ट्रेन करना होता है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ फंक्शन ब्रेक हीयर और इसको नेक्स्ट क्लास पे रख लेते हैं यहाँ से डेटा विंडोइंग से ऊपर ठीक है मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर